ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिला। मुंबई में देर रात हुई भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात हुई है। मुंब्रा की हम अगर बात करें तो भारत गियर्स के पास सड़कों पर पानी का सैलाब देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई को अलर्ट किया है और अब ठाणे महानगर पालिका भी अलर्ट हो गई है। मुंब्रा में धोखादायक बिल्डिंगों को लेकर ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी मनीष जोशी, मुंब्रा प्रभाग समिति अध्यक्ष अश्लीन राउत, धनंजय गोस्वामी ने एक पत्रकार परिषद किया जिसमें धोखादायक इमारतों को लेकर जाहिर आह्वान किया है, मुंब्रा वासियों को सूचित किया है और हेल्पलाइन भी जारी किया है। और हम जानते हैं, हमारे साथ संवाददाता इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं। हम जानते हैं टीएमसी के अधिकारी मनीष जोशी, अश्लीन राउत ने अर्जेंट पत्रकार परिषद क्यों रखा था। इस्लामुद्दीन, आज पत्रकार परिषद में मुंब्रा के धोखादायक इमारतों को लेकर क्या बातचीत हुई है, किस तरह की अलर्ट जारी किया गया है, क्या अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, बताना चाहिए आज एमएम अली मुंब्रा प्रभाग समिति पर जो है मनीष जोशी साहब ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। सर, किस तरह की मीटिंग? सबसे पहले तो मैं एक बता देता हूँ कि ये मीटिंग मैंने कॉल नहीं की थी, ये मुंब्रा प्रभाग समिति की अध्यक्ष मैडम राउत मैडम ने मीटिंग कॉल करी थी अर्जेंटली। आज की मीटिंग जो कॉल की गई है वो मुंब्रा में जो धोखादायक इमारत है उसके संदर्भ में हमने मीटिंग कॉल की थी। सर, कितने धोखादायक इमारत हैं इस मुंब्रा शहर में? देखिए, वैसे तो आप देखेंगे, अगर आप ओवरऑल करेंगे जो चार कैटेगरी की जो बिल्डिंग्स होती हैं, अबाउट 1450 बिल्डिंग ये धोखादायक हमने डिक्लेयर कर रखी हैं। लेकिन इसमें कैसा है, कैटेगरी अलग अलग होती है। एक होती है C1 कैटेगरी जो अति धोखादायक होती है, दूसरी होती है C2A, C2B और C3। तो ये जिसको बोलते हैं ना कि जो धोखा का रेशियो के हिसाब से कम कम होते हुए हमने कैटेगराइजेशन हमने बिल्डिंग को करा रखा। आज की जो हमने मीटिंग जो आयोजित की थी उस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हर एक बिल्डिंग धोखादायक बिल्डिंग जो होती है वो कुछ इशारे देती है, वो कुछ सिम्टम्स देती है। सर, वही बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे कि इशारे देती है, तो वो कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये इमारत जो है गिरने वाली है, कैसे संकेत देगी वो? क्या देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग गिरने के पहले कुछ संकेत देती है। वो संकेत क्या हैं वो आज हमारी अध्यक्षा मैडम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो पैम्फलेट, एक उर्दू में और एक मराठी में, उसे रिलीज़ कर रखे हैं। आप वो पैम्फलेट्स देख लीजिए, बहुत सिंपल पैम्फलेट्स हैं। जैसे कि बिल्डिंग गिरने के पहले उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कॉलम में, स्लैब में, बीम में, कांच टूटने लग जाते हैं, बिल्डिंग सैग हो जाती है, पाउडर गिरने लग जाता है, कॉन्क्रीट फटता है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स अगर आप पहले ही देख लें, परख लें और उसके हिसाब से इमीडिएटली जो फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं उन पे आप फ़ोन करेंगे तो टीएमसी प्रशासन जल्दी से जल्द वहाँ पहुँच जाएगी। इंजीनियर्स हमारे आएंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको यहाँ रहना है या इमीडिएटली बिल्डिंग को आपने खाली करना है। तो जिस तरह से आप उर्दू और मराठी में जो छपाया गया है, तो क्या उसे शहर में अवेयरनेस के तौर पर बांटा जा सकता है कि लोगों में और भी? डेफिनेटली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैडम ने कॉल की थी वो इसीलिए की थी कि ये जो पैम्फलेट्स हैं उर्दू में और मराठी में, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुंब्रा के जो लोग हैं वहाँ तक ये बात फैल जाए, लोग सतर्क हो जाएँ और उसके हिसाब से वो प्रिवेंटिव एक्शन ले लें। सर, जिस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेकर जो पैसा भाग जाते हैं, रिपेयरिंग नहीं करते हैं और लोग पैसे देते हैं, तो क्या उस पर जो है ठाणे महानगर पालिका के तरफ से कार्रवाई अगर की जाएगी, कोई शिकायत अगर करता है तो मनपा के तरफ से उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये चीटिंग की केस बनती है और वहाँ के बिल्डिंग वालों ने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। एक दूसरा, जिन बिल्डिंग में ऐसे लोग गफला करते हैं उन लोगों के नाम टीएमसी को बताए जाएँ और टीएमसी फिर अपने कायदे के हिसाब से उन लोगों पे एक्शन लेगी। सर, एक सवाल थोड़ा बिल्डिंग से हटकर है, जो शहर में जगह जगह पर गटर नाले खुले हुए हैं तो उसके लिए टीएमसी क्या कदम उठा रही है? क्या गोरेगांव जैसे हादसे का इंतज़ार कर रही है क्या? क्या बोले सर? एक उसमें जो अपना चंबर कवर है, जो अपन 340 चंबर कवर बारिश से पहले बिठा दिए,
मगर उसमें से कई चैम्बर ट्रैफिक की वजह से कई जगह पर पार्किंग होने की वजह से टूट गए थे। उसमें से 16 कवर अपन कल बिठा दिए हैं और तुरंत किसी को मालूम रहेगा, समझो बाई चांस रात को गाड़ी लगी और उसके और वो चली गई 10 बजे तो उधर का कवर टूटा रहा। सॉरी सर, कल ही मैंने एक न्यूज़ चलाया है कैलाश नगर का, जहाँ ठीक घर के सामने पूरा गटर खुला हुआ है, अगर कोई बच्चा उसमें गिरता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कैलाश नगर का नाले का स्लीपर 10 फुट का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर सेवक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो नगर सेवक उधर का नाला पूरा चौकअप हो गया था, कैलाश नगर का वाई टाइप का नाला है उधर का, उधर के स्लीप नाला पूरा स्लैब तोड़ दिया और नाला साफ कर दिया हमने, मगर उसका साइज था 10 फुट का। 10 फुट के होने के बाद में ये स्लीपर हो गए, वो बेंड हो रहे थे, तो हमने क्या किया है कि एंगल लगाया बीच में, एंगल लगा के 11 स्लीपर डाल दिए और 2 स्लीपर बाकी है, उसका फ्रेम बनाना बाकी है, वो कल तक शाम तक वो फ्रेम भी बन गए, तो वो 2 स्लीपर डाल के उसका अपन कैलाश नगर का मन करेंगे और लोगों को तकलीफ नहीं होना मांगते, उधर बैरिकेडिंग किया है अपन कि ताकि इधर एक खुला है, क्योंकि उसका ओवर साइज हो गया, स्लैब तोड़ा ना हमने, वो रेगुलर साइज रहा, 3x2 का रहता है कवर, 1.5x2 का रहता है, मगर उसका नाला साफ करने वाले के लिए हमको एक 15-20 फुट का डायरेक्ट तोड़ना पड़ा और वो साइज का नाला बड़ा है, 10 फुट का नाला, उतना स्लीपर क्लियर भी नहीं था, थोड़ा टाइम लगा बनाने के, अभी बन गए स्लीपर, तो वो फिक्स करने का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, अभी एंगल डाल के हम कल 2 स्लीपर बाकी है, वो कल रात को 2 स्लीपर भी बचाएंगे। आपको आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ देखा कि भाई चेंबर कवर निकला हुआ है, आपको पता है कि चेंबर कवर कई चोरी भी किए जाते हैं, जो चर्सी गैंग रहती है वो चेंबर कवर को भी नहीं छोड़ती, तो हम चेंबर कवर तो लगा देते हैं लेकिन लोग चोरी कर देते हैं, तो ऐसे समय में आप अपने नगर सेवक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम इमीडिएटली हम चेंबर कवर बदल के देंगे, या हमने कोई नाले सफाई के लिए अगर बड़ा फोड़ा है चेंबर तो इमीडिएटली उसको हम बैरिकेडिंग करके उसको सेफ कर देंगे। देखिए, आप हमारी आँखें हैं, आपके माध्यम से हमें पता चलेगा, आप हमें बता दीजिए, इमीडिएट एक्शन ले जाइए। आपने ये कवर के बारे में बताया था 7:30 बजे रात को, सम्राट नगर के अपना जिधर अपना ऑफिस है, सम्राट नगर का जो रास्ता है, जो संघर्ष कार्यालय का ऑफिस है, आपने क्लिप चलाई, क्लिप मेरे जैसे मोबाइल पर आ गई, मैं 15 मिनट में उधर गया और रातों रात चैम्बर कवर बिठा दिया, जो केबल का भी धुआं आ रहा था उधर बाजू में से, तो कैसा है कि हम कोई भगवान नहीं है, सब मालूम पड़ेगा है रात को, आप हमको बता दो, हम तो कर घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोशिश है, मगर कभी रात को बाई चांस हो गया, आप कभी भी बोलो रात को 2 बजे 1 बजे तो भी अपना आपातकालीन का टीम मुमरा में एक GCB एक डंपर चैम्बर कवर सब लेके तैयारी रहता है, मगर कोई भी बच्चा उसमें गिरना नहीं मांगता, ये प्रिकॉशन के लिए हम भी तैयार है, मगर आपका भी कोऑपरेट रहेगा तो और हम अच्छा काम करें। जिस तरह से अगर कोई इमारत धोखादायक है और गिरती हादसा होता है तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या है? देख, नहीं, अगर कोई इमारत धोखादायक होती है और हादसा होता है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार हमारे सब नगर सेवकों ने माननीय महासभा में और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुमरा के आमदार श्री जितेंद्र आवाड और सारे नगर सेवक आग्रही थे, क्योंकि मुमरा में ही धोखादायक इमारत का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो महासभा में ऐसा एक निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को मॉनसून पीरियड में, मतलब बारिश के समय में, महीने का 3,000 रुपये भाड़ा मिलेगा, तब तक आप अपनी पर्याय व्यवस्था कर दीजिए और उस दरमियान आप अपनी बिल्डिंग को रिपेयर कर दीजिए और उसके बाद आप बिल्डिंग में आ जाए। अच्छा, पिछले साल की तरह इस साल क्या आपको लगता है कि मुमरा शहर में कुछ अवेयरनेस आया है, लोग इमारतों की रिपेयरिंग कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ कि पिछले 2 साल से मुमरा वासियों ने अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करना शुरू कर दिया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स रिपेयर हो चुकी हैं और कुछ बिल्डिंग तो ऐसे रिपेयर हो रखी हैं ऐसा लग रहा है कि भाई IIT या VGTI वालों ने उनको बताया और उन्होंने उसके हिसाब से रिपेयर करी है। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने मुमरा के सब नगर सेवक को देता हूँ कि उन्होंने इसका मैसेज जन लोगों तक पहुँचाया, लोगों में अवेयरनेस बनाई और उस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें अब रिपेयर होने लग गई हैं, रिपेयर हो चुकी हैं। देखिए कैसा है कि आपको पता है कि धोखादायक इमारत 4 किस्म की होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो धोखादायक होती है वो C1 कैटेगरी होती है, तो ऐसे मुमरा में 6 C1 कैटेगरी की बिल्डिंग्स हैं, वो तो सारी बिल्डिंगें खाली हो चुकी हैं और उसमें कई बिल्डिंगें प्रशासन ने तोड़ भी दी हैं। रहा प्रश्न C2A का, तो टोटल बिल्डिंग की संख्या है 38, उसमें 28 बिल्डिंग जो हैं वो ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुकी हैं। सो दिस इट्सेल्फ इस इंडिकेशन कि मुमरा वासियों ने अपने बिल्डिंग को रिपेयर करना कितना अहम समझा, इम्पोर्टेंट समझा और लोग रिपेयर करने लग गए। मैं धोखादायक इमारत की ये जो समस्या है उसे कैंसर बोल के देखता हूँ मैं,
लेकिन कैंसर कैसा, कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर जानलेवा है, लेकिन अगर कैंसर के सिम्टम्स सही समय में आपने पहचान लिए तो कैंसर भी जानलेवा नहीं होता। इसीलिए हम यही आपको अपील कर रहे हैं कि भाई आपकी धोखादायक इमारत है, वो कुछ सिम्टम्स आपको दे रही है, कुछ इशारे आपको दे रही है, उन इशारों को पहचानो और इमीडिएटली TMC को आप संपर्क साधिए। जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, तो इस तरह की जो शहर में अवेयरनेस जाना चाहिए कि कुछ गंदगी होती है इमारतों के साइड में, जिससे चूहे जो है इमारत की नींव को ख़राब कर देते, तो इसको लेकर आप लोग किस तरह का जो है अवेयरनेस शहर में चाहिए? देखिए कैसा है कि अभी हम लोग जहाँ तक मुमरा में ही नहीं बल्कि और भी दीगर इलाकों में हम देखते हैं कि एक दो बिल्डिंगों के बीच का कुछ कचरा रहता है, आसपास का जो कचरा रहता है, उस कचरे की वजह से क्या होता है कि खाने की अगर कोई गीज़ा की चीज़ मिलती है तो वहाँ पे कुत्तों का आना, चूहों का आना ये लाजिम हो जाता है। तो चूहों के आने से, चूहे एक ऐसी चीज़ है ना कि जो घर की नींव को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उसकी वजह से होने वाली जो हादसे हैं, तो इसके लिए हमने एक पैम्पलेट भी बनाया है कि बारिश के हिसाब से कि डेंगू मलेरिया कैसे कचरे पे आते हैं, और डेंगू मलेरिया जो है ये गंदे कचरे पे ही नहीं तो साफ़ पानी में ही होते हैं वो, तो इसके लिए हमने पैम्पलेट ये बनाए हैं। और अभी साफ़ सफाई अगर जो है की जाती है बराबर से तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे रोक लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है कि सफाई भी शहर में बराबर नहीं हो रही, जो क्रिस्टल कंपनी जो प्राइवेट है यहाँ पर वो ठीक से साफ़ सफाई नहीं करती, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्रिस्टल के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। देखिए वो बच्चे हैं 300, इतने लाखों की आबादी है, वो लोग बेचारे सुबह आते 6 बजे से अपने काम पे लग जाते, वो लोग एक सफाई करने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि उस जगह को किस तरीके से साफ़ रखा जाए। जब वो सफाई करके जाते हैं उसके बाद में आप देखोगे तो उसी जगह पे लोग कचरा डालते, कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि वो सफाई करते रहते हैं और ऊपर से बिल्डिंगों में से कचरा उनके बदन पर डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो लोगों ने खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जो मीटिंग आज बुलाई गई थी, क्या मीटिंग थी इस बारे में और क्या कहेंगे? देखिए आज की जो खुसूसी मीटिंग थी, आप लोगों को यहाँ पे मैंने बुलाया, मनी जोशी सर, गोसावी सर, शेंडगे साहब, इनको जो बुलाया है, तो अक्सरियत में ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी बिल्डिंग जो है धोखादायक है, तो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारी बिल्डिंग धोखादायक है, क्योंकि ये कोई टेक्निकल आदमी ही हमको बता सकता है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट इसमें हमको बताए, जैसे कि कॉलम का बेंड होना, स्लैब का जो है थोड़ा सा बेंड होना, फिर खिड़कियों के कांचे टूटने लगती हैं, क्रैक्स उसमें आने लगते हैं, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे कि जो आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से और पैम्पलेट के माध्यम से हमको लोगों में बताना था कि हम लोगों को पता चलता है अगर मेरी बिल्डिंग है, मैं अगर आते जाते मुझे अगर कहीं दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे बिल्डिंग में क्रैक आ रहा है, मेरे कॉलम फैल रहे हैं या फिर मेरा स्लैब थोड़ा सा झुक रहा है, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम फौरन उस पर एक्शन लें और अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को बचाएं। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है मनीष जोशी और जो यहाँ के सभापति हैं सीन राउत, उन लोगों ने बताया कि जो शहर में इमारतें हैं कहीं ना कहीं अब जो है मुमरा शहर में जो है लोग जागृत हो रहे हैं और अपने इमारतों की रिपेयरिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो मनीष जोशी हैं उनका कहना है कि अगर शहर में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो आपकी इमारत का रिपेयरिंग करने का पैसा लेकर भाग जाता है, तो उन्होंने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर के ज़रिए तो जो मनीष जोशी हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को लेकर बेहद ही गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर हैं कि जो गरीब लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं और उनकी इमारत को रिपेयर नहीं करते हैं, तो इस पर जो है वो ठाणे महानगर पालिका भी उसमें शामिल होगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो मनीष जोशी हैं उन्होंने ये बता दिया है कि जो इमारत धोखादायक है, अगर उस इमारत में वो इमारत गिरने वाली है तो वो पहले ही सिम्टम्स बता देती है कि ये इमारत अब गिरने वाली है, इससे में लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए और उस इमारत को तत्काल खाली कर देना चाहिए। फिलहाल ठाणे महानगर पालिका ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर, मुमरा के किसी भी इलाके में किसी भी बिल्डिंग की समस्या अगर आती है तो इसकी जानकारी दें ठाणे महानगर पालिका को, दिए हुए नंबर पर सूचना दें, उन्हें फ़ोन करें। और ठाणे महानगर पालिका ने फिलहाल ऐलान किया है अगर बिल्डिंग डेंजर है तो उसको फौरन खाली करें,
थाने महानगर पालिका के तरफ से 3,000 रुपये भाड़े के रूप में भुगतान करेंगे, जो है थाने महानगर पालिका भुगतान करेगी। और एक बात और हम आपको बता दें, मुंबई में 1400 से ज़्यादा अधिक बिल्डिंगें धोखादायक हैं, उनमें से कुछ बिल्डिंगें अति धोखादायक हैं और उनमें से कुछ बिल्डिंगों के रिपेयरिंग हुए हैं, कुछ बिल्डिंगों के रिपेयरिंग नहीं हुए हैं। इनमें मुख्य वजह ये भी है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा जमा करके सोसाइटी के लोगों ने दिया है, पैसे लेकर चंपत हो गए हैं, और ऐसे ठेकेदारों के सबक सिखाने के लिए थाने महानगर पालिका अब आगे आई है और उन सोसाइटियों से मिलकर उन ठेकेदारों को सबक सिखाएगी जो पैसे लेकर चंपत हो गए हैं। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।